तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने गेमिंग चैनल में, जिसका नाम है गेम बॉय। और आज हम एक बार दोबारा से खेलने जा रहे हैं रशियन कार ड्राइवर यूएजी हंटर गेम। और अभी मैं जाने वाला हूँ इगोर से मिलने के लिए उसके सर्विस सेंटर पे। उसने मुझे बुलाया है, उसने कहा कि मुझे ना सी पोर्ट जाना है कोई इम्पोर्टेड डिलीवरी लेके। तो तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे सर्विस सेंटर पे आ जाओ। तो करते हैं अपने टीवी को ऑफ और चलते हैं इगोर के सर्विस सेंटर। कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। कहीं रास्ते में अपने को भूख लग गई। वैसे अपना फूड लेवल एकदम ओके है, बट फिर भी एकदम प्रॉपर ओके कर लेते हैं अपना फूड लेवल। कुछ खा पी लेते हैं। क्या पिए? ये तो नहीं, ये भी नहीं यार, थोड़ा हैवी हो जाएगा। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ। नाइस, कॉफ़ी पी ली मैंने, अब चलते हैं। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया कि आज वैसली का फ़ोन आया था, अपना हाल चाल पूछ रहा था। उसने कहा कि यार तुम मिलने के लिए आ जाओ। तो देखते हैं यार, उससे भी मिल लेंगे, क्योंकि अभी तो वो एलेक्सी की मदर के घर है, तो वहीं पर सेफ है, उसे वहीं पर रहने देते हैं। जब ये रिची गैंगस्टर वाला केस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम उसे यहाँ पर लेकर आएंगे। अभी थोड़ा डेंजर है, खतरा है, कहीं रिची हम पे अटैक ना कर दे, क्योंकि रिची का इतना बड़ा शिपमेंट हमसे खो गया। खो नहीं गया, हमारे के ऊपर कुछ डाकुओं ने अटैक करा था, तो उसके अंदर रुचि के बहुत सारे पैसे थे। हमें भी नहीं पता था उसके अंदर पैसे है, वरना भाई हम ऐसे उसे छोड़ते ही क्यों। हमें लगा कि कोई सामान होगा, बट क्या करे यार, अब गलती हो गई, भुगतनी हमको पड़ रही है। तो खैर, चलते हैं हम सीधा इगोर से मिलने के लिए। हम पहुंच चुके हैं इगोर के सर्विस सेंटर में। बस इगोर को ढूंढना है, वो है कहाँ पर? और शायद पीछे की तरफ बैठा होगा। ओ बट नहीं, इगोर तो आगे ही खड़ा हुआ है। चलो उतरते हैं और इगोर से बात करते हैं। और भाई इगोर, क्या हाल है तेरे? किस काम के लिए तुमने हमें यहाँ पर बुलाया है? तो फाइनली गाइस, मेरी इगोर से बात हो चुकी है, और वो बोल रहा है, तुम गाड़ी देख रहे हो ना जिसके ऊपर कवर है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव कार है, ये इसका न्यू प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट को ना सी पोर्ट ले जाना है, क्योंकि इगोर ना शिप के जरिए इस प्रोजेक्ट को कहीं पर ले जा रहा है। और इगोर बोल रहा है कि ये काम तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। इगोर को अपनी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा है, इसीलिए इसने ये काम हमको दिया है, और हमें इस गाड़ी को बहुत ही संभाल के सी पोर्ट ले जाना है। तो चलो गाइस, बैठते हैं अपनी गाड़ी में, और इगोर भी बैठ चुका है। और इस एक्सपेंसिव गाड़ी को ना हमने इस ट्रॉली के अंदर डाल दिया ताकि ये एकदम सेफ रहे। तो घुमाते हैं, बड़ी प्यार से मुझे घुमानी पड़ेगी भाई। इसके ऊपर ना कोई भी स्क्रैच, कोई भी डेंट नहीं आना चाहिए। बड़ी प्यार प्यार से मुझे इसको सी पोर्ट पर ले जाना है। मैं अपनी गाड़ी को ज़्यादा तेज़ चलाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चलाऊंगा, जैसे साइकिल चलती है ना, एकदम वैसे ही। तो पहुंच जाएंगे यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पहुंचने में। सी पोर्ट यहाँ से शायद 15-16 किलोमीटर है, बट कोई बात नहीं यार, गाड़ी की भी सेफ्टी ज़रूरी है भाई। ये इगोर का प्रोजेक्ट है कोई, तो इसे बड़ी प्यार से पहुँचाना पड़ेगा हमें सी पोर्ट। सामने एक मॉल आ रहा है, और वो ना शॉर्टकट है, तो मैं इसके बीच में से ही अपनी गाड़ी को निकाल लूँगा, तो थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा। तो ये देखो, अपने को वरना घूम के जाना पड़ेगा। ये यहाँ का शॉर्टकट है भाई, बिल्कुल प्यार से निकालते हैं। तो फाइनली गाइस, हम पहुंचने वाले हैं सी पोर्ट, और मुझे इसी रास्ते से अंदर जाना है। सी पोर्ट जाने के दो रास्ते हैं,
तो अपने को यही थोड़ा पास पड़ेगा, तो यही से चलते हैं। मैं पहले ही हॉर्न दे के इस गेट को खुलवा लेता हूँ, कहीं पता चला इसके अंदर भिड़ गई ना, अपनी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। सामने आप जो शिप देख रहे हो ना, अपने को वहीं पर जाना है, वहीं पर इस गाड़ी को अनलोड करेंगे ताकि ये शिप के अंदर लोड हो सके। बहुत ही आराम से इसको मैं अनलोड करूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, आराम से करेंगे बिल्कुल। तो फाइनली गाइस, हमने गाड़ी को अनलोड कर दिया है और शिप के ऊपर चढ़ा भी दिया, और ये शिप ना यहाँ से जा भी चुकी है और इगोर भी साथ में ही गया है। तो चलते हैं अब अपने घर, अपना काम तो निपट चुका है, अपने को और कोई काम भी नहीं है, तो घर जाएंगे मस्त आराम करेंगे। तो गाइस, इगोर को सी पोर्ट छोड़कर हम अपने घर आ गए थे और अभी मैं सोकर उठाऊँ, लेकिन उससे पहले मुझे अभी फ़ोन आया था, और वो भी किसका, वैसली का, जो कि एलेक्सी के मदर के घर पर है। और उसने कहा कि यार मैं ना इस घर में पड़े पड़े बैठे बैठे टीवी देख देख के ना बोर हो चुका हूँ। तो वैसली ने मुझसे बोला कि तुम एलेक्सी की मदर के घर पर आ जाओ, हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे, मस्त पार्टी वगैरह करेंगे। लेकिन यार अभी भी ना उस रिची गैंगस्टर का खतरा बना हुआ है। मैंने वैसली को बहुत समझाया बट वो नहीं मान रहा, तो मैं काम करता हूँ, उसे इधर उधर कहीं घुमा कर ले आऊंगा। चलो हमने शावर तो ले लिया, अब चल के ना मस्त मस्त कपड़े पहनते हैं, बढ़िया यार कोई घूमने जा रहे हैं इतने टाइम वैसली के साथ, तो कुछ अलग सा होना चाहिए। ये रही अपनी अलमीरा, तो देखते हैं कौन से मस्त कपड़े पहनने चाहिए अपने को। भाई कितनी घटिया लुक लग रही है अपनी, ये वाली कैप नहीं यार, थोड़ी नहीं, डिटेक्टिव लग रहा हूँ भाई। ये ठीक लग रही है, और ट्राई करते हैं भाई। बहुत महंगी महंगी कैप है अपने पास, देख रहे हो कपड़ों में। ओ हो भाई ये क्या लग रही है, अरे नहीं कहीं शादी में थोड़ी ना जाना है। ये देखो ये कैसा लग रहा है, नहीं यार मज़ा नहीं आया। ये बढ़िया लग रही है यार, कपड़े वगैरह तो अपने हो गए हैं और अब करवा लेते हैं शेविंग। भाई कितनी शेविंग बड़ी हुई है, थोड़ी छोटी कर लेते हैं। ओके तो अब बढ़िया लग रही है ना। चलो गाइस मैं एकदम प्रॉपर रेडी हो चुका हूँ वैसली से मिलने के लिए, अब चलते हैं। और हाँ गाड़ी के अंदर ना भाई फ्यूल भी भरवाना है, मेरे ख्याल तो गाड़ी में ना फ्यूल कम ही होगा। चलो एक बार बैठते हैं और चेक कर लेंगे, अगर फ्यूल कम हुआ तो भरवा लेंगे। ठीक है यार फ्यूल तो ओके है, अपना काम चल जाएगा, तो लेट्स गो चलते हैं सीधा वैसली से मिलने के लिए। बट यार अभी भी ना मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कहीं रिची को पता चल गया ना कि वैसली बाहर घूम रहा है, मतलब कि वैसली अब तक अंडरग्राउंड था, क्योंकि रिची का ना शिपमेंट है वो हमसे खो गया था, मतलब वो लूट लिया गया था, उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। तो इसीलिए एलेक्सी ने अपनी मदर के घर वैसली को छुपा दिया था कि जब तक वो शिपमेंट नहीं मिलता तुम यहीं पर रहो। बट यार वो वैसली जिद कर रहा है कि मुझे बाहर जाना है, घूमना है, पार्टी करनी है, तो चलो उसे जल्दी ले जाते हैं और जल्दी ही हम उसको छोड़ देंगे दोबारा से एलेक्सी की मदर के घर। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं एलेक्सी की मदर के घर, बस अपने को यहाँ से लेफ्ट जाना है और यही है उनका घर, बस इस तरफ जाएंगे और चलते हैं अंदर। अंदर नहीं भाई, वो देखो वैसली बाहर ही खड़ा हुआ है और हमारा वेट कर रहा है। चलो चल के वैसली से मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं, बहुत टाइम हो गया हमारी वैसली से बात भी नहीं हुई। हेलो ब्रो वैसली, क्या हाल है तुम्हारे, कैसा चल रहा है सब कुछ।
भाई वैसली बोल रहा है कि मैं यहाँ पर पड़े पड़े बोर हो चुका हूँ, तुम मुझे ना कहीं घुमाने ले जाओ, और ये कह रहा है काम करो, हम ना बाहर चलते हैं, आराम से वहाँ पर पार्टी करेंगे, इन्जॉय करेंगे और दारू पियेंगे। तो चल भाई तू चल पहले बाहर ही चल, तेरे को दारू पिलाता हूँ, पार्टी कराता हूँ तेरी। वैसली को देखो इतनी जल्दी जाकर गाड़ी में बैठ गया, बस इसे जल्दी से बाहर ले चलो। चल भाई चलते हैं बाहर, और बता दे कौन से बाहर जाना है। वैसली बोल रहा है कि उसी बार में चलते हैं जहाँ हम अक्सर जाया करते हैं, वो मस्त भी है और वहाँ पर अपने पुराने दोस्त भी आते हैं, तो हम उसी बार में जाने वाले हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बार के बाहर, और बाहर अपने दो दोस्त भी खड़े हैं, चलो उनसे मिलते हैं और चलते हैं बार के अंदर। और भाई लोगों क्या हाल है तुम्हारा, बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, बाहर क्यों खड़े हो, चले बार के अंदर। भाई मज़े मज़े में इस वैसली ने अपने को इतनी पिला दी कि भाई अपने को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, देखो सब कुछ हिल रहा है, हमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है, क्या करे यार। इस वैसली को भी छोड़ना है एलेक्सी की मदर के घर, भाई कैसे गाड़ी चलेगी हमसे, मुझे बहुत आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी यार। वैसली ये तूने क्या कर दिया भाई, ठुक ना जाए कहीं, पता चले वैसली और हम ख़त्म, ये हमारी आखिरी पार्टी होगी। चलो यार फाइनली हम पहुंचने वाले हैं एलेक्सी की मदर के घर, मैंने बहुत आराम आराम से गाड़ी चलाई है, बट ये देखो सब कुछ हिल रहा है मेरा भाई, एकदम बहुत ज़्यादा नशा हो चुका है। और ये क्या, यहाँ पर किसी की गाड़ी ख़राब हो गई। गाइस यहाँ पर किसी लेडीज़ की गाड़ी ख़राब हो गई है, चलो चल के उसे ठीक करते, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं ठीक कर ही दूंगा। और वैसली को देखो भाई, वैसली से ढंग से चला जा नहीं रहा, बोला जा नहीं रहा, और देखो कितनी जल्दी गाड़ी ठीक करने के लिए पूछ गया। ये वैसली भी ना बहुत पोची हुई चीज़ है, देखो कैसे खड़ा होके बातें कर रहा है, अबे गाड़ी ठीक कर गाड़ी, और गाड़ी में से भाई आगे देखो कितना धुआं निकल रहा है, हो सकता है कि इसका शायद गाड़ी गर्म हो गई हो, इस मारे धुआं निकल रहा हो। और गाइस ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है और वैसली ये दोनों नाच रहे हैं, ठुमका मार रहे हैं भाई नशे में ना, अपने को यही लग रहा है अपने को बहुत ज़्यादा नशा हो गया। और वैसली देखो अभी भी पी रहा है, बियर लेके खड़ा हुआ है उसके आगे। मैं ही चल के इस लड़की से बात करता हूँ और पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई तुम्हारी गाड़ी के अंदर। ओ भाई ये कौन है, ये कहाँ से आ गया, और उसने भाई वैसली को एक घुसन मार के बेहोश कर दिया, और वो लड़की रो क्यों रही है भाई, मुझे ना इसको पेलना पड़ेगा। अबे तू है कौन, और तूने मेरे दोस्त वैसली को मारा कैसे, अभी तेरा मैं भूत बनाता हूँ, दो मिनट रुक, अपने को भी फुल बॉक्सिंग आती है भाई, बोल तो दिया बॉक्सिंग आती है, पर ये तगड़ा लग रहा है, थोड़ा पीछे हट हट के मारेंगे इसे। सही है यार, लग तो रहे इसके घुसंड, ओ भाई ये मार रहा है और मैं पीछे हो रहा हूँ, सही है ऐसे। अबे नहीं ये क्या हो गया, और ये हम कहाँ पर आ गए, अभी तो हम एलेक्सी की मदर के घर के पास थे, और ये देखो वैसली ये तो बेहोश ही पड़ा है, पूरे टकला कौन है बे, हाँ बे टकले कौन है तू, और तू हमारे को यहाँ पर पकड़ के लाया है, मेरे दोस्त वैसली को मारा है भाई, ये देखो ये तो उठ ही नहीं रहा, और गंजे तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई, पहले ये बता कैसे मारा तूने भाई। इसके हाथ में AK-47 है, थोड़ी प्यार से बात करनी पड़ेगी। भाई साहब आपने हमको क्यों मारा और क्यों लाए हो, क्या बात है क्यों मारा भाई बताओ ना। ओ तेरी की, अब समझ में आया, ये रिची है इस सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर, और इसी का शिपमेंट हमसे खो गया था, खो नहीं गया था यार, वो कुछ डाकुओं ने लूट लिया था, बट भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम जल्दी से जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा देंगे, बस हमें थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ी सी मोहलत दो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके पैसे आपको लौटा सके, प्लीज़ हम दोनों को यहाँ से जाने दो। गाइस ये रिची कह रहा है तुम जा सकते हो, बट सिक्योरिटी के तौर पर ये वैसली हमारे साथ रहेगा, अगर तुमने ठीक टाइम पर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं इसको मार दूंगा, और इसने हमको अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, अगर जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाए तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना,
मैं पैसे लेने के लिए आ जाऊंगा, बट यार मैं पैसे लाऊंगा कहाँ से? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और ये वैसली को भी नहीं छोड़ रहे, अगर मैं कुछ 19-20 इनके साथ करता हूँ ना तो ये आई होप हम दोनों को ही मार देंगे। तो एक काम करते हैं कि वैसली को इनके साथ जाने देते हैं और मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूँगा। रिची और उसका बंदा वैसली को लेके यहाँ से जा चुके हैं और धमकी देकर गए हैं कि जल्दी से जल्दी पैसों का जुगाड़ करना, मेरा शिपमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाना चाहिए। तो यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, किससे बात करूँ, किससे पैसे मांगूँ इस मुसीबत के टाइम, अब हमारी कौन हेल्प करेगा। तो चलो वैसली को बचाने के लिए हम क्या करते हैं वो आप देखना नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Style.